प्रतिष्ठा के मौके पर ओरछा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रामराजा के भी दर्शन किए हैं। अयोध्या में आयोजित प्रांत प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वहां पर चल रहा था, वो भी तमाम लोगों के साथ बैठकर देखा है। इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि आज हम सब ने अयोध्या की अद्भुत छटा निहारी है, कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मौका मिला है। अपने संबोधन में उन्होंने ओरछा में रामराजा लोक को लेकर कहा कि जो भी शेष है वो लोक बनाए जाएंगे, शासन की योजनाएं चल रही हैं वो सब चलती रहेंगी, इसमें नए विचारों के आधार पर जो जो बातें सामने आएंगी वो सब निरंतर करते रहेंगे। ओरछा में हमारे यशस्वी पूर्व सीएम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के साथ भगवान राजा राम के दर्शन करने के लिए और अयोध्या की जो अद्भुत छटा निहारी आज हम सब ने बैठ करके, कई जन्मों के पुण्य के बाद वो मौका मिलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में आरती पूजन और पूरी विधि में जो भाग लिया है, ये सच्चे अर्थों में भगवान राम की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, पूरे भारत की प्रतिष्ठा हुई है, भारत के प्राणों की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है। ये सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत क्षण है। एयर कनेक्टिविटी भी बहुत जल्दी ओरछा को मिलेगी। और अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भावुक हो गए। नरेला किछोला स्थित श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में पहुंचे हुए थे, राम भक्तों के साथ मौजूद थे और जमकर झूम उठे उसके बाद। लेकिन उससे पहले भावुक कर देने वाले दृश्यों को देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, विश्वास सारंग जिनकी आंखों से आंसू निकल आए क्योंकि एक लंबा संघर्ष लगा है। सभी ने उस दौर को भी देखा है जब बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और अब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान विश्वास सारंग की ये तस्वीरें, निश्चित ही उस संघर्ष को महसूस कर पा रहे होंगे हृदय में इस पल को कि अतुलनीय है, भूतो ना भविष्यति, इस प्रकार का ये लम्हा।